नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीएन भारत और मैं हूं आपके साथ दीक्षा। जैसा कि जग जाहिर है, देश कोरोना से जूझ रहा है और ऐसे में अगर कहीं एक मदद का हाथ भी उठ रहा है तो वो आप तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए देखिए ये खास रिपोर्ट, जहां इस संकट की घड़ी में राहत के लिए बड़े हैं ये हाथ। आईबीएन भारत की टीम ने भी चारबाग रेलवे स्टेशन जाकर हालात का जायजा लिया और लोगों से बात भी की। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। लखनऊ से चलकर जलपाईगुड़ी को जाने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज सुबह 10 बजे चारबाग रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन है जो यहाँ से सबसे लंबी दूरी तय करेगी। ये ट्रेन अयोध्या, फैजाबाद, बनारस, हावड़ा, मालदा होते हुए जलपाईगुड़ी जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि लखनऊ से करीब 150 यात्रियों ने इसमें सफर किया, जिसमें 5 बच्चे भी शामिल थे। कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी को देखते हुए कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो लोगों की सेवा में तत्पर हैं। ऐसी ही एक संस्था है हीविट पॉलिटेक्निक एल्युमिनाई। हीविट पॉलिटेक्निक 1905 में सर हीविट ने बनाई थी, जो कि उत्तर प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। उसी के पुराने छात्र इस वक्त कई संस्थानों में कार्यस्थ भी हैं, जिन्होंने मिलकर आज श्रमिक स्पेशल ट्रेन में नाश्ता दिया। इन लोगों ने हर यात्री को 6 पैकेट बिस्किट, 6 पैकेट चिप्स, 6 केले, साथ ही लैया चना भी बांटा गया। और इसके साथ ही यहाँ पर लैया चना भी बांटा गया। ऐसे में ये देखना बेहद जरूरी है कि इस वैश्विक महामारी में हम किस तरह से लोगों के काम आ पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीएन भारत। किस संस्था से हैं आप? मैडम, हम लोग जो है हीविट पॉलिटेक्निक लखनऊ के हीविट एल्युमिनी एसोसिएशन की तरफ से आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और क्योंकि प्रवासी मजदूरों का आवागमन रोज हो रहा है रेलवे की तरफ से, तो आज हम लोगों का जो है मेन पर्पज ये है कि लोगों को सेवा की जाए। सेवा भावना की तरफ से हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हीविट का फेवरेट पार्टी लखनऊ का मैं ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, उस नाते हम लोग सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए। आज हम लोग सभी लोग मिल करके सभी प्रवासी मजदूरों को जो है क्या क्या दिया है आपने इन मजदूरों को? इन मजदूरों को केला दिया गया है, बिस्किट दिया गया है और पानी दिया गया है। चूँकि यात्रा बहुत लंबी है, इसलिए हम लोग डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल बार भी दिए गए हैं ताकि कोई उनको असुविधा ना हो। और बीच में चिप्स भी दिया गया है। जी, केला दिया है, बिस्किट दिए हैं, चिप्स दिए हैं। ये आपकी अपनी हीविट पॉलिटेक्निक एल्युमिनाई ने किया है या इसके साथ और भी संस्थाओं ने जुड़ के काम किया है? नहीं मैडम, ये सिर्फ हीविट एल्युमिनाई एसोसिएशन ने किया है और ये उन्हीं की तरफ से सब किया गया पूरा। इसके अलावा भी कुछ कर रहे हैं? इस समय लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना पीरियड चल रहा है, आप लोग और भी कुछ इस टाइप के प्रोग्राम्स कर रहे हैं? हाँ मैडम, हर जगह हम कई जगहों पर कर रहे हैं जो है। जैसा भी हम लोगों ने यहाँ पर किया था हाई कोर्ट के सामने जो है, बसों में जा रहे थे लोग जो है, तो हम लोग वहाँ पर उनको भी जो है पानी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो टेट्रा पैक जो होता है जो उसको सप्लाई किया हम लोगों ने। पानी की क्या व्यवस्था करी आपने? पानी के जो हम लोग पैकेज वाला अपना है, आधा लीटर, एक लीटर, जो भी है जो उस कंडीशन में, तो हम लोग वही सप्लाई करते हैं, बॉटल सप्लाई करते हैं। क्योंकि कोरोना काल का मौसम है मैडम, उसको देखते हुए सेफ्टी मेजर लेते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आप लोग कितने लोग हैं इस ग्रुप में, कितने लोग बांट रहे हैं ये सामान? ये हमारा एल्युमिनियम सेक्शन तो कम से कम 500 से 1000 के बीच में होगा जो है। और हम लोग यहाँ पर चूँकि ज़्यादा इकट्ठा हो नहीं सकते हैं, तो हम लोग ये बोला गया था कि लगभग 10-15 लोग आएंगे यहाँ पे, तो जिसमें लोग आए हैं सब पूरा हाइजीन का ध्यान रखते हुए, सारा सामान रेलवे कैटरिंग से ही आया है, हम लोगों ने उनको पेमेंट किया, सारी व्यवस्था उन्होंने की हाइजीन का। आप जैसे आप लोग देख ही रहे थे किस तरह से डिस्टेंस मेंटेन किए गए, कैसे हाइजीनिक ढंग से हम लोग भी पूरा अपना सेफ्टी का मास्क और ग्लव्स पहने हुए हैं, सैनिटाइज करके ही सारा काम किया गया है। आगे अगर हम लोग कुछ करते हैं तो फिर आपको बताएंगे। कई जगहों पे हम लोग कर रहे हैं, जो हमारे मित्र दूसरे शहरों में हैं वो वहाँ कर रहे हैं। अब क्योंकि इस एसोसिएशन का हम लोगों का प्राइम ये है कि हम सेवा करें, फोटो ना खींचें। बिल्कुल, आप कह रहे हैं सेवा करें, फोटो ना खींचें, लेकिन अगर आप फोटो खिंचाते हैं या कुछ करते हैं तो लोग उससे भी प्रेरित होकर आते हैं। हीविट पॉलिटेक्निक के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के HOD हैं कुंदन जी, आइए उनसे जानते हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं अपने कॉलेज के लोगों से के साथ ये कार्य करके। ये जब हमको हमारे जो एल्युमिनाई के छात्र हैं, इन्होंने जब हमको अध्यक्ष जी ने और सचिव हैं एल्युमिनाई
हीवेट पॉलिटेक्निकल एलुमनाई के एसोसिएशन के, उन्होंने जब हमको बताया कि ऐसा ऐसा हम करना चाहते हैं और सर आप भी इन्वॉल्व होइए, तो हमको बड़ी खुशी हुई एक नेक काम करने के लिए और हमें बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि आप अभी HOD हैं इस समय, अपने स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम स्टूडेंट को ये संदेश देंगे कि पहले आप आत्मनिर्भर बनिए और खुद इस लायक होइए कि आप दूसरों की सेवा भाव कर सकें, और देश सेवा ही जब पहुँच देश सेवा जब कर पाएंगे जब पहले आप अपने परिवार अपने गांव अपने इलाके वहां की सेवा करें, और उसके बाद आगे धीरे धीरे स्टेप बाय सेवा भाव भी रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी मैं मुलाकात हीवेट पॉलिटेक्निक के एक्स स्टूडेंट जो इस समय रेलवे में एक बड़े अधिकारी भी हैं, इनके तहत इन लोगों को ये काम करने की प्रेरणा मिली है, आइए जानते हैं उनसे। सर ये जो आपने आज आपकी पुराना कॉलेज था इस कॉलेज के तहत आपने ये कार्य किया है, कैसा लग रहा है? हाँ मैं आनंद किशोर तिवारी, मैं नाम बता दे रहा हूँ आपको क्योंकि मैं तो एक पुणे का काम और एसोसिएशन की तरफ से समाज सेवा और श्रमिकों को जाते समय कुछ पानी बिस्किट चिप्स और केला इस अवसर पर हम लोग अपनी तरफ से एसोसिएशन की तरफ से दे रहे हैं, जिसमें हमें बड़ी आत्मसंतुष्टि और एक अच्छा काम कर रहे हैं ये फील करके बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो ये कॉलेज बहुत पुराना है मैडम और बहुत नाम रहा है इस कॉलेज का, बहुत अच्छे अच्छे लोग प्रतिष्ठित जगहों पे विराजमान हैं, तो उसी कॉलेज के द्वारा जो संस्कार हम लोगों को मिला उस संस्कार का ही परिणाम है कि आज हम सब इकट्ठा होकर के पूर्व छात्र एक छोटी सी सेवा भावना से प्रेरित होकर के और एक छोटे स्तर पर एक काम आज हम लोग किए हैं, जिससे हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें और हमारे इस कार्य से हमारे इस अच्छे इंस्टीट्यूट का जो नए जनरेशन है वो भी प्रेरित हो और हमारा कॉलेज का नाम और अच्छा हो। तो ये थे आनंद तिवारी जी जो कि हीवेट के काफ़ी पुराने स्टूडेंट रहे हैं और आज ये अपने आप को गौरवान्वित समझ रहे हैं कि इन्होंने ये काम किया है। कैमरामैन संदीप के साथ सुमति सक्सेना, IBN भारत, लखनऊ।